Hey everyone, welcome back to my channel guys, informative housewife और मैं हूँ पूजा. Friends, आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ एक DIY hair oil जो कि है onion hair oil. आप इसे कह सकते हैं onion hair oil. actually market में बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसे DIY करेंगे तो ये क्या होगा कि ये 100% natural होगा और 100% effective भी होगा. अगर आप अपने बालों में इस तरह की luscious shine और straighten चाहते हैं तो आप इस DIY hair oil को हफ्ते में एक बार ज़रूर follow करें और आप notice करेंगे कि 1 month के अंदर ही आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है, हेयर की शाइन चली गई है या हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए ये हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए एक अनियन जो मैंने ये साइज़ का लिया है, उसको मैंने काट दिया है, मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया है और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे. ठीक है, अच्छे से इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करें. उसके बाद हम स्ट्रेनर की हेल्प से इसको प्रेस कर करके हम इसके जूस को पूरी तरीके से निकाल लेंगे. अब अच्छे से इसे प्रेस करके जूस को निकालें और उसके बाद हम मैंने पैराशूट कोकोनट ऑयल लिया है और मैं 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो मैं इस मिक्सचर में, ये जो मैंने जूस निकाला है, मैं उसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी. फ्रेंड्स, जो कोकोनट ऑयल है वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और साथ में शाइन ऐड करता है और स्ट्रेदन भी करता है. और जो अनियन जूस है उसमें क्या होता है कि सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सल्फ़र हमारे हेयर में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीट करता है. उसके बाद हमारे हेयर के रीग्रोथ में हेल्पफुल होता है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेन इसका कॉज क्या है. फ्रेंड्स, क्या करता है ये ना कि जो हमारे बाल जो है वो केराटिन के लेयर में रहते हैं, तो केराटिन ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा आपने, तो केराटिन में केराटिन को बांध के रखता है वो है सल्फ़र. तो ये वही अनियन में जो प्रेजेंट होता है सल्फ़र, वो केराटिन को बांध करके रखता है, जिससे हेयर ब्रेकेज और हेयर की प्रॉब्लम्स, ये सारी हेयर लॉस की प्रॉब्लम, ये सारी की सारी आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. तो देखिए, जिस तरीके से मैंने एक्चुअली एक कॉटन के बॉल की हेल्प से मैं लगा रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है और बालों के सेक्शन कर करके आप स्कैल्प में बहुत अच्छे तरीके से इस जूस को और इस ऑयल को, इसके मिक्सचर को अप्लाई करें. आप इसे वीक में वीक में आप इसे एक बार कर सकते हैं या चाहें तो 2 बार भी कर सकते हैं. वैसे मैं एक बार ये करती हूँ और एक बार एलोवेरा वाला करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं. और इसको लगाने के बाद आप इस दोनों बालों को मसाज करें, एक तरफ जैसे आपने लगाया वैसा ही दोनों तरफ लगा लें और अपने बालों को अच्छे से मसाज दें. और फ्रेंड, आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मैंने कई बार ट्राई किया, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ. एक बात और कहूँगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइए, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो तो डैम श्योर रहा है. और साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं. कोई भी वीडियो रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. तो देखिए, इस तरीके से मैं नीचे के बालों में एक्चुअली वो नहीं अप्लाई कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं स्कैल्प पे ही फोकस कर रही हूँ और मैंने नीचे के बालों में ऑयल अप्लाई कर लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप इसे 1 घंटे या फिर 2 घंटे तक आप रखने के बाद इसे वॉश कर लीजिए. फुल नाइट मत रखिए, क्योंकि ऑनियन में स्मेल भी होता है और जूस जो है वो सूखने के बाद ड्राई होने लगता है, इसलिए इसे आप धो भी दें 1 घंटे के अंदर में. जैसा भी आपको वीडियो लगा हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करें. सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए. थैंक यू. जा रही हूँ हेयर वॉश कर.